हेलो फ्रेंड, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल उमराज। कैसे हो आप? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये मेकअप लुक जो मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट्स के साथ इसे क्रिएट किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने फेस वॉश कर लिया है तो मैं सबसे पहले टोनर यूज़ करूँगी। टोनर ये अपने अपने आपके चेहरे में वो जो भी ओपन पोर्स रहते हैं ना उसे मिनिमाइज़ कर देता है, इसीलिए हमें टोनर हमेशा यूज़ करते रहना चाहिए, हमेशा डेली आफ्टर फेस वॉश के बाद। मैंने ये लिप बाम अप्लाई किया है। अब ये है गुड वाइब्स का विटामिन सी एंड ई फेस सीरम, एज डिफाइन सीरम है ये। ये बहुत ही अच्छा सीरम है, हमें डेली जैसे फेस वॉश करने के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं या मेकअप के पहले भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव सीरम है, इसे हमेशा अप्लाई करना चाहिए आपको। ये एज डिफाइन सीरम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं जो हमें मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने वाली हूँ। मॉइस्चराइज़र ये पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र है, सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। ये है गुड वाइब्स का ब्राइटनिंग फेस क्रीम, कोकोनट क्रीम। और ये है एक है पतंजलि का मॉइस्चराइज़र क्रीम, इसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो अभी थोड़ा सा गर्मी है तो मैं पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी। आप एलोवेरा जेल भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास कोई भी मॉइस्चराइज़र हो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं अब अप्लाई करूँगी पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। अप्लाई करूँगी इसे थोड़ा सा मैं पूरे चेहरे में और नेक में भी अप्लाई करना है आपको। हमेशा आप मेकअप करने से पहले स्किन केयर ज़रूर कर ले। अब मैं प्राइमर यूज़ करूँगी। आप लोकल मार्केट से कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे मुझे करीब एक साल हो चुका है ये प्राइमर को, पर्पल का प्राइमर है, बहुत ही अच्छा प्राइमर है। इसको प्राइमर को लगाने से आपके भी जो ओपन पोर्स रहते हैं ना वो मेकअप के पहले कोई भी फाउंडेशन लगाने से पहले इसे कवर हो जाता है और चेहरा पूरा इवन बराबर दिखता है। अब इसे हल्के हाथों से पूरे फेस में अप्लाई कर लेंगे। देखिए पूरा मेरा चेहरा देखिए एकदम क्लीन दिख रहा है। अब कुछ देर रुक लेंगे, उसके बाद अब पहले हम आईब्रो फिल कर लेते हैं। ये मैंने लोकल मार्केट से आईब्रो पेंसिल लिया था, इसे आप कोई भी लेके यूज़ कर सकते हैं। देखिए धीरे धीरे अप्लाई करना है, दोनों साइड को हम लोग फिल कर लेंगे आईब्रो को। कॉम है, हमेशा आईब्रो को फिल करने के बाद आप कॉम जरूर करें, इससे इवन लुक आएगा पूरा आईब्रो का। अब अप्लाई करेंगे हम फाउंडेशन, क्योंकि प्राइमर हम लगा चुके हैं तो अब प्राइमर बीबी क्रीम लगाने का वक्त है, या फिर फाउंडेशन यूज़ कर सकती क्रीम लगाऊंगी। ये मेरा स्किन से बिल्कुल मैच करता हुआ है, मीडियम 01 है शेड मेरा बीबी क्रीम का। इसे आप फाउंडेशन को ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं हल्के हाथों से ही करूँगी क्योंकि मुझे अभी ब्यूटी ब्लेंडर मिल नहीं रहा था तो मैंने सोचा हाथ से कर लिया जाए। देखिए आसानी से हो चुका है ब्लेंड फेस में। अगर आपको और कवरेज चाहिए तो आप और अप्लाई कर सकते हैं, फाउंडेशन बीबी क्रीम ले सकते हैं। मुझे इतना ही चाहिए था, ज़्यादा नहीं, हैवी मेकअप नहीं करना है मुझे। अब आप यहाँ डार्क सर्कल है तो आप कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, अगर ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो। मेरे पास था तो मैं यूज़ करूँगी इसे। और मुझे आई शेडो भी अप्लाई करना था ना, हल्का सा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हैवी लुक नहीं करना है मुझे। ऐसे सिंपली मैंने ट्राई किया है कैसे मुझसे बनता है कि नहीं करके। अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा सीख रही हूँ मेकअप करने का। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेकअप करना, लेकिन जब तक अभ्यास नहीं करूँगी तो मैं सीखूँगी कैसे, इसीलिए मैं थोड़ा सा सीख रही हूँ। कैसा लगा मेरा वीडियो, कैसा लगे आपको बताइए प्लीज़ मुझे, ठीक है, कमेंट में।
अब देखिए मैंने एकदम डैप डैप करके पूरा अप्लाई कर लिया है। अब मैं अप्लाई करूँगी इसमें लैक्मी का रोज़ पाउडर, ये मेरा वार्म टोन है, इसमें मेरा शेड, इसे अप्लाई करना है धीरे धीरे। देखिए ये भी मेरे स्किन से बिल्कुल मैच करता हुआ है, इसलिए मैंने इसे ऑनलाइन परचेज़ किया था पर्पल से। आपको ये लोकल मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, नेक में एयर कान के पास डैप डैप करके आप ज़रूर लगाया, चाहे तो ब्रश भी लगा सकते हैं। देखिए हाय फ्रेंड्स, इसको मैंने अभी ऑफ कैमरा में मैंने आई शेड अप्लाई कर लिया है। जो आई शेड अप्लाई किया है मैंने वेट एंड वाइल्ड का है, वेट एंड वाइल्ड का मैंने रोज़ इन द एयर पैलेट यूज़ किया है। अब मैं इसमें आई लाइनर यूज़ करूँगी, ये फैशेस कनाडा का है, इसका मैंने रिव्यू मेरे चैनल पे अपलोड कर डाउनलोड अपलोड किया है, तो आप ज़रूर चेकआउट करिए, बहुत ही अच्छा है। तो इसे अब लगा रही हूँ मैं, दोनों साइड में लगा लेंगे। अब मैं कॉन्ट्रोल करूँगी मेरे फेस को, ट्राई कर रही हूँ यार। ये भी रोज़ इन द एयर पैलेट का है, आई शेडो है, लेकिन मैं इसे कॉन्ट्रोल एज ए कॉन्ट्रोल यूज़ कर रही हूँ। नोज़ चीक ने भी एरिया है जहाँ हम कॉन्ट्रोल करते हैं, बस ट्राई किया है, कैसा लग रहा है मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं धीरे धीरे सीखूँगी, जस्ट ट्राई करूँगी कैसे मेकअप करते हैं करके। तो मेरे पास ज़्यादा पैलेट तो नहीं है, लेकिन मैंने उसी से कॉन्ट्रोल अप्लाई कर लिया है। देखिए अब मैं इसी से ही ब्लश, एज अ ब्लश भी यूज़ करूँगी और एज अ हाइलाइटर भी इसी में है मेरे आई शेडो पैलेट में, उसी को यूज़ करूँगी, हाइलाइटर और ब्लश प्लस कॉन्ट्रोल तीनों शेड में यूज़ करूँगी अपने फेस पर। देखिए कॉन्ट्रोल अप्लाई कर लिया है, दिख कैसा रहा है ये तो आप ही लोग बताएंगे तो ज़्यादा मुझे समझ आएगा। अब मैंने ये लिपस्टिक अप्लाई की है, ये लिपस्टिक मैंने पर्पल से अप्लाई की है, बेला वस्टा का है। कैसा लग रहा है लिपस्टिक का कलर शेड मुझे ज़रूर बताइए। अब मैं नोज़ कॉन्ट्रिंग कर लूँगी हल्का सा, मेरा नोज़ थोड़ा सा चौड़ा है ना, तो थोड़ा सा पतला करने की कोशिश करूँगी, जस्ट ज़्यादा नहीं करूँगी कि मैं अभी सीख रही हूँ ना, ज़्यादा मैं अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा। अब हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है मैंने हल्का सा नोज़ के पास, अब यहाँ साइड में और जहाँ जहाँ हाइलाइटर अप्लाई करते हैं वहाँ वहाँ मैं कर रही हूँ। अब मैं आई लैशेज कर्लर है ये, इसे कर रही हूँ। अब मैं मस्कारा मुझे यहाँ मस्कारा अप्लाई करना है, इसीलिए मैं आई लैशेज कर्लर यूज़ करूँगी। इससे आपकी जो पलकें हैं वो थोड़ी सी स्ट्रेट हो जाती है, और मस्कारा लगाने से आपके जो पलकें हैं और थोड़ी बड़ी और घनी दिखने लगती हैं, इसलिए आप आई लैशेज कलर ज़रूर अप्लाई करें। आप लोकल मार्केट में इसे ख़रीद सकते हैं, उसके बाद मस्कारा अप्लाई करें। आप चाहे तो पेपर रख लीजिए, नहीं आपसे बनता है तो। अब मेरा मेकअप लुक तो कंप्लीट हो चुका है, तो मैं बिंदी और सिंदूर लगा लूँगी। देखिए कैसा लग रहा है मेरा मेकअप लुक। अब मैं एयरिंग पहने नहीं हूँ, एयरिंग ढूंढ रही थी मैं, तो एयरिंग पहनूँगी। ये मैंने लोकल मार्केट से एयरिंग ली है ब्लैक, ये ड्रेस के साथ मेरे मैच हो रहा है, तो मैं इसे पहनूँगी, बहुत ही अच्छा लग रहा है और लाइट वेट है, देखिए छोटा है तो अच्छा लग रहा है। मुझे कमेंट में बताइए मेरा पहला मेकअप लुक है कैसा लगा, आपको ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन और बेल बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी आपको वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।